से कहीं पुनीत है भारत अपना देश, जहां देव पैदा हुए धर्मानों का भेद। भैया भारत देश अपना महान है बाबूजी। हमारे भारत देश में हर देशों का सम्मान होता है। ये गंगा जमुना का देश है, राम कृष्ण की धरती है। हमारे देश में तमाम शक्तियां पैदा और प्रकट हुई हैं। हमारे देश जैसा और कोई देश नहीं है बाबूजी। तो आइए हम आपको गीत की तरफ ले चलते हैं। सबसे पहले हम आपके बीच में अपना परिचय देना चाहेंगे। हमारा नाम है पूरन काशी, बिरहा गाने वाले, दिलावलपुर भीटी अम्बेडकर नगर से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर 8052164501 है। धन्यवाद बिरहा, सुनिए। आइए आपको ले चलते हैं गीत की तरफ। बड़ी देर से जनता के मांग बाकी कुछ अवधि भी रह गया। बिरहम मजा ना आने आवत, इजोन भोजपुरिया गावत है, लवंडन वाला गाना हो, कुछ बुढ़वन वाला गाना गाए दिया। तो आइए आपको ले चलते हैं चक्रव्यूह की लड़ाई उर्फ अभिमन का बध। वीर अभिमन्यु अपने 15 वर्ष की अवस्था में चक्रव्यूह में जाकर के बाबूजी अपने कुल खानदान मर्यादा को बचाने के लिए 6 फाटक तोड़ देते हैं। और जब 7वें फाटक पर पहुंचते हैं तो उनको भीम दादा याद आते हैं। कवि जी किस तरीके से कह रहे हैं, कहना बाय चेला धरे तुम्ही पर ध्यान, माता कहवा हयु भुलानियावा दंगल के दरम्यान। ज्ञान मैं कहूँ सभा में डटी के, भैया ज्ञान कहूँ मैं सभा में डट के, जगदम्बा जी से बोला। ज्ञान कहूँ मैं सभा में डट के, जगदम्बा जी से बोला। मैं बालक अनजान भगवती भर दो ज्ञानों से झोला। चक्रव्यूह कई रचना पूर्वी आज सभा में तू खोला, कैसे युद्ध भई पांडव में बतलाना उसका पोला। कैसे युद्ध भई पांडव में बतलाना उसका पोला, गणपति और गिरजा का सुमिरो ब्रह्मा विष्णु शिव भोला। माथे जिनके तिलक चंद्रमा खाते भागो कै गोला, जैसे बिहु रचे द्रोणा गुर कहू कथा वाया मोला। बड़े भैया श्री राम धनी कोल्हार के पुरवा से चल करके आए हैं। बड़े भैया की तरफ से 101 रुपए एक सम्मान आया है। बड़े भैया से आशीर्वाद की कामना। कैसे बिहु रचे द्रोणा गुर कहू कथा वायन मोला, भई के ध्यान सुनिए जा पंचो अब यहाँ से क्यों ना डोला। कहीं सह दियो बस ये बरवा माय एकदम पूरब के डोला। एकदम पूरब कै टोला चला बद्री कै कारारा, निर्मल कथा कहूँ पंडन कै सुने पाप हो चारा। भीष्म पितामह गुजर गए जब कौरों दल के सरदारा, हुआ फिकर तब दुर्योधन को कैसे न हुए पारा।
करो वीर सब बिचारा, कहे सहदेव करल तब बोले भरी सभा के माझारा। जिस समय भीष्म पितामह समर में मार उठते हैं, धर्मराज के दरबार में शोक छा गया। बाबूजी धर्मराज समस्त सेना के सामने पूछते हैं कि बताइए सेनापति किसे बनाया जाए और सेनापति बनने लायक कौन है। करणवीर उठ करके खड़ा हो गया बाबूजी और कह क्या रहा है, बोले करणवीर सुन लीजिए, हरे करो मनमा, हरे करो मनमा, और राजा इसकी फिकर मत करो मनमा। बनावा हमका आपन कला देखैबे तुहका, और जीतब पांड के सुतन का हम एक छनमा। कुल बनवारी सनमुख के उना परे लखारी, और जिस दम छूटे तीर हमारी हारी बोले रमा। तो द्रोणा गुरु के लड़का अश्वत्थामा के रहा सुनाए भाई, उठ के खड़ा हो गए और कहत का है, बोला द्रोणा गुरु के लड़का, जोधा बना करण ना बड़का, लगी है जब अर्जुन के धड़का सड़का जा, का सेनापति बनैबा, अरे राजा सबके मूड कटैबा, अब लड़ना के अर्जुन से पै बाप छिटैबा मनमा। बनवा छिपे सलार रण में देखा युद्ध हमार, अकर दो बाणन से बौछार मार जो गुस्साई बाबा कर मेली ना खड़ंग उठाई, सुर्खी गई पलक पे छाई दुइनो नैनना। सहता याद तेरी सब बाते, हरे सुनिए गुरु पुत्र के नाते, और ना ही तो तुमको मिटाते एक बार।
जब दोनों का रगड़ा बाबा राजा जाए कर्ण को पकड़ा कहने लगे करत क्यों झगड़ा दोनों अपसन मित्रों समय जरा निहारो अरे भी सम गए समर में मारो अब देख के सेना के भारो सब बिचारो करण वीर सुन लीजिए सेनापति गुरु को कीजिए जो की धन विद्या है दीना माना दुनिया दल दुर्योधन सबके रुख पाई गुरु को सेनापति बनाई अवन के सर पे ताज बनाई लाई जबर महाराज सेनापति द्रोण गुरु को बना दीजिए द्रोण गुरु दोनों तरफ बाण विद्या सिखाए हैं अगर द्रोण गुरु सेनापति बन जाते हैं तो आपकी विजय निश्चित हो जाएगी तो कहना है बोले करण वीर सुन लीजिए सेनापति गुरु को कीजिए जो की धन विद्या है दीना माना दुनो दल जबरन ताज बनाई गुरु के चरण कमल मा सिरनाई जबरन ताज बनाई गुरु के चरण कमल मा सिरनाई जबरन ताज बनाई गुरु के चरण कमल मा सिरनाई द्रोणाचार्य कहन लागे तब कौरो दल मा गोहराई जब तक अर्जुन रहे समर मा क्यों ना उसे विजय पाई तब हम विजय करेंगे रण में धर्मराज का बधवाई दुर्योधन कहने लागे जो आप सभी को सिखलाई खुदिया पैसे ना पति है अर्जुन का सत्ता बनाई खुदिया पैसे ना पति है अर्जुन क्या सत्ता बनाई द्रोणाचार्य कहें राजा तुम इसका भेद नहीं पाई महाबली पारथ जग में जे कह रथा कह जदुराई धन गांडू यगिन दीना यो किया वरुण से मीताई सर से सागर बनही में हनुमत से कीना मीताई सुरपुर नरपुरी और नागपुर सब अर्जुन का डेराई तैसे बिलग हुए जे राजा ते अर्जुन का बिचलाई कहे सहदेव सुनो पंचो अब आगे होगी लाला ज्ञान मैं कहूँ सभा में डटी के गुरु से कहे सुशर्मा जाई तीनों परण सभा में आई अर्जुन काल बहकाई लड़के लई जा भवन का अपना